नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोलोस्पा एक्स टैबलेट के बारे में, जिसका कंपोजिशन होता है मेबेवरीन और क्लोरडायजेपोक्साइड, जिसका मेनली यूज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन में किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IBS कहते हैं। और कई बार दवाई लेते हुए भी फायदा नहीं आता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि फायदा क्यों नहीं आता है। तो इसमें जो मेबेवरीन होता है वो 135 mg में होता है और क्लोरडायजेपोक्साइड 5 mg में होता है। यह 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसकी MRP आपको 335 rupees के आसपास मिल जाती है। तो दोस्तों, इसका यूज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में किया जाता है, जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, आपके पेट से जुड़ा हुआ एक रोग है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द होना, मरोड़े होना, सोजन, गैस, कब्ज की दिक्कत होना या डायरिया होना, और कुछ लोग खाने के बाद बार बार गटर में जाने की इच्छा होती है, तो ये IBS के कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। और IBS की समस्या उस वक्त भी हो जाती है जब व्यक्ति तनाव में होता है, क्योंकि तनाव की वजह से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी वजह से पेट में सोजन और जलन होने लगती है, और कई बार पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से भी IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब इस टैबलेट को दिया जाता है तो यह टैबलेट आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की मसल को धीरे धीरे रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स है वह धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और इसमें जो क्लोरडायजेपोक्साइड दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है, यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है, तो जो आपका माइंड है वो रिलैक्स रह सके। और दोस्तों, डॉक्टर्स के साथ अदर मेडिसिन भी देते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वह जल्दी ठीक हो सके। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम दवाई लेते रहते हैं फिर भी फायदा देखने को नहीं मिलता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हो। आप लोग दवाई लेते रहते हो और आपका जो डेली रूटीन होता है, दिन में 4-5 बार खाना, बीच बीच में कोई नमकीन खा लिया, समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली, तो वह बीच में चलता रहता है, तो ऐसे फायदा कैसे आएगा? क्योंकि दोस्तों, IBS में क्या होता है कि जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, तो आप जितनी अलग अलग चीजें खाएंगे पेट को उतने ही अलग अलग एंजाइम बनाने पड़ेंगे, और आपकी पाचन शक्ति तो पहले ही कमजोर है तो एंजाइम प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाते और वह प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही रहती है। तो जब तक आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, जब तक आप थोड़ा कम खाएं ताकि आपके जो पाचन तंत्र है उसको थोड़ा आराम मिल सके, और कभी भी भर पेट खाना ना खाएं। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो उसको 2 रोटी कर दीजिए, और कभी कभी आप व्रत भी कर सकते हैं, लाइक दिन भर कुछ ना खाएं, केवल रात के टाइम पे ही खाना खाएं, और आप चाहो तो दिन में फल फ्रूट ले सकते हो। इस तरह अगर आप करते हो तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रॉब्लम में आपको लाल और हरी मिर्च थोड़ी कम खानी चाहिए, और दोस्तों अगर आप छाछ में थोड़ी बहुत हींग मिलाकर पीते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा करेगी। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट में आपको चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, बोलने में कई बार थोड़ी हकलाहट सी आपको लग सकती है, थकान सी हो सकती है, नींद आ सकती है, अगर सूट ना करे तो स्किन रैश हो सकते हैं, तो ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आप जानते हैं इसकी डोज के बारे में, किसकी क्या डोज रहती है? तो देखिए दोस्तों, डोज का तो आपको पता है कि ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो ज्यादातर डॉक्टर इसे 2 टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं। यह आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हो और खाना खाने के पहले भी ले सकते हो, और इस टैबलेट को ज्यादातर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में नहीं दी जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, और इस टैबलेट को अचानक से बंद नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसके विड्रोअल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।